आपका भाई जो है ना आप लोगों के लिए एक बड़ा सा गुड्डा बनाने वाला है। देखो कितना बड़ा कागज है, इसे साइड पे फेंक देते हैं। इसके बाद हमारे पास है 2.5 तावे गुड्डे के तीले, 2.5 तावी टोकली परी बनाने वाले हैं, जो कि बहुत खूबसूरत होने वाली है। आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। इतने इतने बड़े तीले आपका भाई यूज कर रहा है। इसके बाद हमें ब्लैक कलर की आंखें और ब्लैक कलर की पूंछें बनाएंगे, बहुत ही कमाल की और खूबसूरत लगने वाली है। इसके बाद हमें चाहिए कटा कट करने के लिए कैंची, खूबसूरत सी कैंची। इसके बाद हमारे पास ग्लू आ जाती है, टेप वगैरह भी आप लोग यूज कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप आपका भाई बताएगा किस तरह से आप लोग प्रोफेशनली गुड्डा बना सकते हो। जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाइयों अभी हमने करना क्या है कि सिंपली हमने एक यहाँ पे निशान लगाया, हल्का सा शायद आपको नजर आ रहा हो। उसके बाद हमने ये वाली जगह पे निशान लगाया, ये देखो हल्का सा नजर आ रहा होगा, ये दोनों तीलों का सेंटर है जहाँ पे हमने अपने गुड्डे का जो है ना सांचा बनाना है। तो सिंपली आप लोगों ने यहाँ पे सांचा बनाने के बाद क्या करना है कि इस तरह का एक धागा लेना है, यहाँ पे धागे को अच्छी तरह से रोल एंड रोल कर देना है। तो अभी मैं आपको रोल एंड रोल करके दिखाता हूँ किस तरह से करना है। उसके बाद यहाँ पे आप गिलू वगैरह या एल्फी वगैरह लगा के इसे ज्यादा मजबूत भी बना सकते हो। इससे आपके गुड्डे का सेंटर बन जाता है, गुड्डा तंग नहीं करता और बिल्कुल परफेक्ट उड़ता है। तो अभी जल्दी से मैं अपना जो इसका सेंटर है ना वो बना लेता हूँ। अभी मैंने जो अपना सेंटर वाला धागा है बिल्कुल अच्छे तरीके से बांध लिया है, ठीक है। अभी हमने करना क्या है कि ये वाला धागा बांधा है, इसका जो सांचा है ना मतलब इसका जो साइज है मैं आपको बता देता हूँ कितना है। अभी ये देखो 1 इंच, और इसके बाद ये 1 मिनट दोबारा से करते हैं, 1 इंच और दूसरी गिट, तीसरी गिट, और ये देख सकते हो 1 इंच आप लोगों ने छोड़ देना है, ठीक है। मतलब कि ये पूरी की पूरी 4 गिट है 1 इंच छोड़ के, और ये बिल्कुल जो 2.5 तावा है ना उसका साइज है। अभी यहाँ से मैं धागा पकड़ के इस वाली साइड पे आता हूँ, और यहाँ से हमने साइज जो है ना माप लिया, ये आपके सामने ही है। ये अभी हमें क्या करना है, थोड़ा सा इसे ऊपर की तरफ खींचते हुए और यहाँ से दोबारा से ले लेते हैं एक बार साइज। मुझसे साइज खराब हो चुका है क्योंकि वहां से जो है ना तीला निकल चुका था। अभी दोबारा से करते हैं, और ये देखो आपके भाई ने फिर से साइज बना लिया आपके सामने। और बार बार बताने का मतलब यही है कि आप लोग बड़ी आसानी के साथ इस तरह से जो है ना साइज बना के अपना जो तीला है गुड्डे का उसे सेटमेट कर सकते हो। इस तरह से इधर भी गिरा शिरा लगा के बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से हमने जो इसका साइज बना लिया है। अभी आगे क्या करना है वो भी बताता हूँ। अभी मैं आपको अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ अपना जो ढांचा है उसके साथ। तो देखो यार बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से ढांचा आपके भाई ने रेडी किया है। यहाँ पे हमने थोड़ा सा धागा लगाया, फिर यहाँ पे लगा के, और यहाँ पे थोड़ी सी टेप लगा के इसे फिक्स कर दिया। टेप वगैरह नजर नहीं आएगी क्योंकि टेप जो है ना नजर आती नहीं है, जो कि शीशा टेप होती है। तो अभी हमने क्या करना है, इसके हिसाब का जो है ना हमने कागज काटना है, किस तरह से काटना है स्टेप बाय स्टेप आपका भाई आपको बताता है। इस तरह से आप लोगों ने सिंपली जो है ना अपना जो कागज शागज है रख देना है, यहाँ पे कोई भारी चीज रख लो सेंटर में कि आपका गुड्डा छुट्टा जो है ना इसका ढांचा वो हिले नहीं। अभी कटिंग करने की बारी है। सिंपली कटिंग कैसे करनी है, ये जो धागा लगाया है इसके हिसाब से बिल्कुल इसी तरह से आप लोगों ने कटिंग सेटिंग करनी है। अभी मैं जल्दी से जो है ना फास्ट फॉरवर्ड में कटिंग करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। भाइयों अभी हमने कुछ इस तरह से प्रोफेशनल जो है ना अपना जो साइज वगैरह है काट लिया है। अभी आती है गिलू से इसे चिपकाने की बारी। तो सिंपली मैं जल्दी से चिपका लेता हूँ। करना क्या होगा, यहाँ पे हमने थोड़ी सी गिलू लगा के अच्छी तरह से कट करके यहाँ पे गिलू लगा देनी है। तो जल्दी से आपको एक स्टेप दिखा देता हूँ, बाकी मैं जल्दी जल्दी से लगा दूंगा। अभी हमने करना क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा कैंची से कट कर लेना है। कैंची से कट करने के बाद हमने यहाँ से थोड़ी सी गिलू जो है ना यहाँ पे इस तरह से लगा देनी है। ये देखो आपका भाई
से लगा रहा है, अच्छी तरह से लगानी है कि हमारा जो पेपर है ना अच्छी तरह से यहाँ पे चिपके उतरे नहीं। और ये ग्लू आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों ने हल्की हल्की गीले वगैरह पे भी लगा देनी है कि अच्छी तरह से फैल जाए और बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से लग जाए। यहाँ से आपने पेपर को थोड़ा सा खींचना है और ये जो धागा है नीचे से निकालना है, थोड़ा सा निकालने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे इस तरह से लगा देना है। और यहाँ से जो है ना यहाँ से पेपर थोड़ा खींचेंगे कि हमारा जो पेपर है ना इसमें थोड़ी सी सिल्वर टेप वगैरह है वो ना रहे, मतलब जो सिल्वर टेप वगैरह वो रहनी ही रहनी है, वो इस तरह से रहेगी क्योंकि जो हमारा पेपर है ना वो पहले से सिल्वर टेप वाला है। बाकी आपका भाई पूरी कोशिश करेगा कि इसमें से सिल्वर टेप वगैरह जो है ना खत्म हो जाए। तो अभी एक साइड लगा लिए, अभी जल्दी से मैं फास्ट फॉरवर्ड में पूरी पूरी साइडों पर जो है ना हमारा पेपर लगा देता हूँ। भाइयों हमारे गुड्डे की जो शेप है कुछ इस तरह से बन चुकी है। देखो गुड्डा कितना कमाल का जो है ना आवाज निकाल रहा है, साउंड कर रहा है, बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से बन गया। इसकी आंखें और पूंछें रह गई है, जल्दी से इसकी आंखें काटते हैं और आंखें किस तरह से काटनी है वो भी आपका भाई आपको बताएगा। इस तरह से आंखें काटनी है और पूंछें बनानी है, सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप आपके भाई ने आपको बताया, आंखें भी बताता है। आप लोगों ने कुछ इस तरह का देचका शेचका ले लो या कोई भी इस तरह की चीज जो गोल हो, आपने सिंपली करना क्या है कि ये कैंची लेनी है और इस कैंची को कुछ इस तरह से रखते हुए ना आप लोगों ने बस इस तरह से फेरना है। ये देखो जैसे कि आपका भाई फेर रहा है तो यहाँ में एक निशान बन जाता है, उससे आप बड़ी आसानी के साथ जो है ना अपनी कैंची के साथ कट कर लेते हो। तो जल्दी से मैं जो है ना एक शेप कट कर लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। इस तरह से आपकी जो आंखें कट होंगी, आंखें अभी कट कर ली हमने अच्छे तरीके साथ प्रोफेशनल तरीके से। ये देखो बिल्कुल हमारी जो आंखें शांखे है वो कट हो चुकी हैं, अभी इन्हें लगाने की बारी है। जल्दी से मैं गिलू लगाता हूँ और इन्हें अच्छी तरह से प्रोफेशनल तरीके से लगा देता हूँ, फिर आपको पूंछल काटना सिखाऊंगा। आखिरकार हमने अपना जो ढाई तावा दो कली गुड्डा बना लिया। काफी भाई कहते हैं कि यार डेढ़ तावा है, ये है वो है। तो देख लो यार यहाँ तक आ रहा है मेरे पेट से भी ऊपर काफी ज्यादा, तो ये ढाई है जो डेढ़ ऐसे छोटा होता है तो आज इसे उड़ाएंगे। तो जल्दी से मैं इसकी जो है ना कन्नी शन्नी साथ बांध लेता हूँ और इसे बांध के फिर उड़ाना शुरू करते हैं। ज्यादा नहीं मैंने उड़ाना, बस आप लोगों को फ्लाइंग टेस्ट दिखा रहा था। अभी जल्दी से मैं इसे उतार लेता हूँ, अपने पास खींच लाता हूँ कि यहाँ जाए कहीं पे गिर ना जाए। तो देखो बिल्कुल हमारे पास आता जा रहा है, अभी इसे आहिस्ता से आराम से मैं नीचे उतार लूंगा कुछ इस तरह से। ये देखो बिल्कुल तंग चंग नहीं कर रहा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल अच्छे और